हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। आज की यह दास्तान कराची से लाहौर सफ़र की है। मैंने 3:30 बजे कराकोरम एक्सप्रेस में टिकट करवाई इकोनॉमी में। जैसा कि हस्बे मामूल मेरे हर सफ़र से पहले कोई ना कोई लेटनेस की वजह बनती है, इस बार बनी मेरी इंटरनेट डिवाइस जो मुझे अपने दोस्त से लेने जानी थी। लिहाजा मैं 3:20 पे कराची कैंट स्टेशन पे पहुंचा और 5 मिनट के अंदर ट्रेन चल पड़ी। काराकोरम एक्सप्रेस की पहली खासियत। इकॉनमी में सफ़र करने से मुझे ये आइडिया तो हो गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कितने झूठ बोले हैं और जिस ट्रेन में उसने सफ़र किया था वो एसी कोच हो। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, कुकू करती अम्बवाची से प्यार जताती कोयल में, हुक हुक कर गए जलती गांव की साथ सुरीली चट्टी में। रात की तारीखी छा चुकी थी, मेरी थकन से आंखें बोझल थी और कुछ घंटे वक्फे वक्फे से नींद की आंखों में सोता था। आंखें खुली तो हम खाने वाले जंक्शन पहुंच चुके थे। वहां मैंने हलवापुरी लिपटी घंटी में इश्क, घर के दरवाजे पर लटकी दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें लहरा सस्सी हीर का चट्टी का दिल अटका हो, रंग बरंगे बंटों में किकली में गुल्ली डंड में, किसी फकीर की झुग्गी पर लहराते गाले झंडे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, घटा में। फिर आगे चल के मैंने फैसलाबाद की हरी भरी रेलवे ट्रैक भी देखी, दरिया रावी का दिलकश मंजर भी देखा और आखिरकार मैं लाहौर पहुंच गया। खूबसूरत मौसम, बादल बरसने को तैयार, नंगे सर में सामान के साथ होटल पहुंचकर नहाना है और सोना है। तब तक आप लाइक करो, कमेंट करो, फिर मिलते हैं #explorelahore के साथ। इश्क सजन की मस्त नजर में इश्क।